आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने हल्द्वानी में कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता करते हुए देश में किसानों के हालात और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा है। यशपाल आर का कहना है कि बीजेपी के शासन में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। केंद्र सरकार लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, वहीं बढ़ती महंगाई में आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन पहले से है और अधिक हो सकता है, इसलिए देश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। देखिए, आज तो जो हमारी प्रेस से मुखातिब हुआ हूँ, जो आज पूरे देश के हालात हैं, महंगाई की मार से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश त्रस्त है और महंगाई आसमान को छूने जा रही है, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। किसान बदहाल है, जो काला कानून इन्होंने देश के किसानों पर थोपने की कोशिश की, तानाशाही जो इन्होंने किसानों के साथ की, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें डराया गया, धमकाया गया और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, आखिरकार जब चुनाव नज़दीक आ गए और इन्हें लगा कि अब चुनाव में पूरा देश का किसान, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का मातृशक्ति, हर वर्ग हर जाति हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने काला कानून को वापस लिया है। लेकिन देश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, सत्ता से उखाड़ने का और पूरे प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, महंगाई को लेकर बहुत रोष है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हर पार्टी के कैंडिडेट वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम 1000 नौकरी युवाओं को हर साल देने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि खुद चुनाव में जीत नहीं रहे हैं और उनकी सरकार उत्तराखंड में बन नहीं रही है, तो कहा कि शादाब आलम नौकरी देंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय में बड़े बड़े विकास कार्य कराए गए हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो और चिकित्सा को लेकर हो या सड़क निर्माण को लेकर हो। जब उनकी सरकार नहीं यहाँ से बनने की, वह जीत के नहीं जानेंगे तो नौकरियाँ कहाँ से देंगे? झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जो हमारे बड़े लीडर वादा करेंगे, मैनिफेस्टो में मुद्दे लाएंगे वो पूरा करेंगे। हमें अपनी पार्टी का मालूम नहीं हम क्या करेंगे, अब दूसरी पार्टी का हमें मालूम नहीं वो क्या करेंगे, कहाँ से नौकरी कर रहे हैं। चलो, आपके पास पार्टी ये कहा था कि तुम्हें भाई कांग्रेस में अच्छा ना, कुछ मजबूरी होगी थी क्योंकि हमारी बहुमत में सरकार नहीं, हमारे जो निर्दलीय थे बीएसपी के थे, कुछ कोटा उन्हें बांटना पड़ गया था, इसलिए उन्हें मंत्रालय दिया गया। हाँ, इतने मैं ज़रूर कहता हूँ कि जिस जनता ने मुझे जिता कर भेजा था, जो मैंने अपनी जनता से वादे किए थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा था कि आप मुझे कोई पद दो या ना दो, सिर्फ मुझे तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम चाह रहा, आपको मालूम है कि मैंने कितने बड़े बड़े काम कराए। विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए एनआईसी कक्ष में ईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईवीएम मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने आ गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगणसिक ने संबंधित प्रतिनिधियों को सुविधा पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्याशी नामांकन, शिकायत, चुनाव प्रचार प्रसार संबंधित सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।
जनपद में विधानसभा निर्वाचन का तैयारी का सापेक्ष जो है प्रथम रैंडमाइजेशन जो ईवीएम्स का होता है, इसके बाद में ईवीएम्स को जो है हम लोग संबंधित विधानसभाओं को अलॉट करते हैं और आरओ उसका जो है बाद में प्रिपरेशन की कार्रवाई करता है। तो उसके लिए जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है ईवीएम्स का, हमारे जो 947 बूथ हमने चिन्हित किया है उसका प्रक्रिया आज संपन्न किया जा रहा है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधिगण हैं उनका उपस्थिति में रैंडमाइजेशन किया जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को 2 दिवस पहले ही सूचना इसके बारे में दी जा चुकी है और आज हम लोग जो है कार्रवाई करने के उपरांत जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ ये सूची को साझा भी करेंगे, ये गतिविधि को भी साझा करेंगे, साथ साथ में निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें विड्रॉल के पश्चात जो भी कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे तो कैंडिडेट्स को भी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी कि उनकी विधानसभा में कौन सी ईवीएम्स पोलिंग डे के लिए प्रयोग होगी और कौन सी ईवीएम्स को रिजर्व में रखा जाएगा। खबर चमोली से है जहां पर एशिया के खूबसूरत रज्जू मार्ग में एक ओली रोपवे और चेयर लिफ्ट का संचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। रोपवे और चेयर लिफ्ट शुरू होने से पर्यटक और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए। दरअसल 9 जनवरी को रोपवे विभाग के 27 कर्मी कोरोना पॉजिटिव आए थे जिसके बाद प्रशासन ने रोपवे संचालन बंद कर दिया था। कोविड का जो टेस्ट हुआ था उसमें 27 लोग संक्रमित पाए गए थे जिसके 7 दिन का इनको होम क्वारंटीन किया गया। उसके बाद कल पुनः इनके पास एक बार टेस्ट किया गया जिसमें सबके सब नेगेटिव आए गए हैं। तो इसलिए हमने विधिवत आज से दिनांक 18 से हमने इसका संचालन कर दिया है रोपवे एंड चेयर लिफ्ट का, जिसमें 27 से 27 नेगेटिव आए हैं स्टाफ और इसका हमने आज से स्टार्ट कर दिया। खबर थल से है जहां पर आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और आम जनता को जागरूक करने के लिए थाना थल पुलिस, अर्धसैनिक बल, एसएसपी और तहसील प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। जनता को भावमुक्त होकर चुनाव में प्रतिभागी करने की अपील की है। फ्लैग मार्च के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत जारी आदेश निर्देशों का पालन किया गया है। इसका संदेश यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया गया है ताकि यहाँ पर चुनाव को सकुशल यहाँ पर संपन्न कराया जाए तथा एक संदेश भी देना चाह रहे हैं जो लोग शरारती किस्म के लोग हैं वो किसी प्रकार से चुनाव में बाधा उत्पन्न ना करें और इसलिए आज ये थल क्षेत्र में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है जिसमें 11वीं बटालियन SSB DDHAT से असिस्टेंट कमांडेंट श्री बाबूलाल रायगढ़ जी के नेतृत्व में कंपनी आई थी और साथ में हमारे पुलिस थाना थल का फोर्स था और राजस्व पुलिस के तहसीलदार साहब आदि लोग मौजूद थे। विधानसभा चुनाव को लेकर सलेमपुर दादपुर में आचार संहिता के अनुपालन के लिए रानीपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला जिसमें कमांडेंट CRPF और CRPF महिला व पुरुष एवं स्थानीय पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। आचार संहिता के चलते इस फ्लैग मार्च का मकसद लोगों के अंदर डर को खत्म करने और क्षेत्र में कानून की स्थिति को बरकरार रखने का संदेश देना था। पुलिस ने लोगों को आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है। साथ ही अपील की गई कि क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और आचार संहिता के पालन कराने के लिए ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एक तरफ सरकारों के चौतरफा विकासों के बड़े बड़े वादे दावे तो दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों व शहीदों की सहमतियों भावनाओं की उत्तराखंड की राजधानी गैरसड़ आज भी उन विकासों की राह ताक रही है जहां कर्णप्रयास विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गैरसैंण के लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में सरकार का विकास आज भी कोसों दूर है। बात चाहे स्वास्थ्य की करे, शिक्षा की करे या सड़कों की करे या नेटवर्क कनेक्टिविटी की करे तो इन सभी मूलभूत जरूरतों के लिए यहां की जनता आज भी जूझ रही है। साथ ही गैरसैंण के लोगों ने निर्वर्तमान विधायक से कार्यकाल को भी असफल बताया।
चंपावत में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस ने शक्ति शुरू कर दी है, जिसके चलते पुलिस ने हरियाणा के हिसार से पिथौरागढ़ जा रही कार के गेट की चेकिंग के लिए रोका। पुलिस और आकस्मिक छापेमारी दस्ते ने दी तो कार से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की। बता दें कि दोनों मामलों में पैसा लेकर जा रहे व्यक्ति नगद राशि के संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। चेकिंग में वाहन सवार से बरामद रुपए की चंपावत कोषागार में रखा जाएगा, साथ ही रुपए की जांच के लिए आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई है। इस जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सर, जो हमारे बैरियर है ककराली गेट पे और जगबूढ़ा पे, इसमें हमारी FSG और SSG की टीम और लोकल थाने की टीम चेकिंग करने के लिए लगाई हुई है। इसी क्रम में दोनों बैरियर्स पे आज हमको 4 अलग अलग व्यक्ति मिले, जिनके पास से कुल 8 लाख रुपए हमको मिले थे और उनके संबंध में इनसे पूछा गया और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाए। इस पर हमारे जो भी FSG टीम थी उसको उक्त धनराशि को सीज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए उसको चुनाव सेल को भेज दिया गया। धनरोला में पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा था, तब पुलिस ने जसवावाला गांव की तरफ से आते हुए महिंद्रा ट्रक ट्रॉली को देखा, जो पन्नी की तरपाल से ढकी हुई थी। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को रोकने के बाद ट्रैक्टर को चेक किया था। ट्रॉली में अवैध रेत भरा हुआ था। चौकी प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्राली को खनन संबंधित धाराओं में सीज किया गया है, जो अवैध खनन ले जाते हुए पकड़ा गया है। चेहरी में टॉप मूलभूत सुविधाएं ना होने पर ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। चेहरी के घनसाल विधानसभा के ग्राम सिंदूल में 461 वोटर है। ग्रामीण द्वारिका ने कहा है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जब कुछ करते ही नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आना बंद कर देते हैं। वही महिला सुशील मेटाड़ी ने कहा कि हमको पानी नदी से लाना पड़ता है, सुविधा नहीं मिलती है तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पानी नदी से धोना पड़ता है, अब रोज का है, नदी से पानी धोते रहेंगे और काम हम कब करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और नेटवर्क ही है, नेटवर्क नहीं है यहाँ इस गांव में, हम बहुत परेशान है। आपने चुनाव बहिष्कार की घोषणा करी करना है चुनाव का, एक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, और जैसे उनको कुर्सी मिलती है उसके बाद जो है उन्होंने क्षेत्र में आना बंद कर दिया, और जब तक ये हमारा गांव है यहाँ केवल पानी की और उसकी ही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी कहा है कि ये ब्लॉक का सबसे पहला गांव है, 2-2.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है, लेकिन पानी और संचार की कोई सुविधा नहीं। और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी तो मेरे गांव में बिल्कुल भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चल पा रही थी संचार सुविधा के कारण, तो इसीलिए मैंने और गांव के कुछ अन्य बुद्धिजीवी और प्रधान जी ने संचार सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जी और तथा मुख्यमंत्री जी एवं विधायक जी, जिला अधिकारी जी को पत्र लिखा, परंतु बड़े खेत से कहना पड़ रहा है कि उससे कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो यह थी उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।